हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ये बॉर्डर डिज़ाइन है और ये देखिए, आप किसी भी कार्डिगन में ये डालेंगे तो बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। और इसे आप बेबी स्वेटर, गर्ल्स के टॉप्स में या कुर्ती में डालेंगे तो बहुत सुंदर ये बॉर्डर डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। नीचे से ये कटवर्क वाला डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। और देखिए, इसमें मैंने ये डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं और जिससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, 20-20 के मल्टीपल से बना हुआ है और इसमें मैंने दो फंदे एक्स्ट्रा एड स्टिच के लिए डाले हुए हैं, एक फंदा इधर एक फंदा इधर, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो डिज़ाइनर फंदे मैंने डाले हुए हैं, ये मैंने ये जो ऊन है इसको 4 बारी मैंने इसको फोल्ड करके बनाया हुआ है, जिससे देखिए इसका ये काफ़ी मोटा मोटा अच्छा लगता है और देखने में भी कितना सुंदर लगता है। चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसको फिर से यहाँ से पकड़ेंगे, अब यहाँ ट्रिपल फोल्ड हो गया। अब फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा, देखिए ये 4 बारी हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए, अब इसको यहाँ पर हम एक गांठ बना लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे गांठ लगा ली। अब हम देखिए, एक फंदा ऐसे सिलाई पे डालेंगे। हम 61 फंदे डाल रहे हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइनर फंदे डालेंगे इसमें। और डिज़ाइनर फंदों की मैंने वीडियो वैसे पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन मैं आपको एक बारी फिर से बता देती हूँ कैसे हम डालेंगे। ये देखिए, हमें पहले ऐसे इस उंगली पर ऐसे इसको लेना है और ऐसे सिलाई पे चढ़ाना है, और फिर ये जो हमारा सिंगल वाला धागा है ये इसके ऊपर लपेट कर फिर हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए, एक फंदा हमारा ये बन गया। और फिर दूसरा हम डालने के लिए देखिए, ऐसे पकड़ेंगे धागे को और इस पे ऐसे लपेट देंगे, और फिर से ये वाला फंदा ऐसे लपेटेंगे और हम ऐसे इसको गिरा देंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे ही बनने लगेगा। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ऐसे डालेंगे और ऐसे ये वाला फंदा लपेटेंगे और ऐसे हम इसको गिरा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे हम धागे को लेंगे, ऐसे धागे को लेंगे और ऐसे फिर से लपेट के और ये गिरा देंगे ऐसे। और ऐसे ये देखिए, यहाँ से हमारा मोटा मोटा फंदे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे फिर ऐसे लपेटेंगे और फिर ऐसे गिरा देंगे, ठीक है। फिर धागे को इसको ऐसे लपेटेंगे, ऐसे पकड़िए आप धागे को और इस सिलाई के ऊपर ऐसे डाल के फिर ऐसे ऐसे गिरा दें। ये देखिए, ऐसे हमारे फंदे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें बनाते रहना है। चलिए मैं आपको एक बारी और दिखा देती हूँ। ऐसे हमें धागा लपेटना है और एक बारी पहले हमें ऐसे करना है, फिर धागे को हम इस सिलाई पे ऐसे डालेंगे और फिर से धागा ये वाला लपेटेंगे सिंगल वाला और फिर से ये गिरा देंगे। ऐसे ही हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए, ऐसे गिराएंगे पहले एक बारी, फिर सेकेंड बारी ऐसे। ये देखिए, और ये देखिए डबल डबल हमारे धागे बनते जाएंगे। 2 बारी करते हैं ना हम, तो ये डबल डबल हमारे डिज़ाइनर फंदे होते हैं। तो चलिए मैं बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डिज़ाइनर फंदे डाल लिए हैं। अब इसको हम ये फर्स्ट रो जो है ये पहले हम सीधी सीधी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये सीधा सीधा हम बनाकर तैयार कर लेते हैं ये रो। चलिए हम इसको पूरी रो ये जो है सीधी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है सीधी सीधी बनाकर। अब दूसरी रो हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे बनाना है हम उल्टा उल्टा।
पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं। चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको डिज़ाइन से। ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टी और सीधी बनाकर हमने ये तैयार कर लिया। और अब देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक रो होती है, ये हम एक उल्टी और सीधी बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक हमने ऐसे उतार लिया फंदा, ये एच स्टिच उतार लिया और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे यहाँ पे, एक और ये दो। देखिए दो फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागे को अपनी ओर करके छः फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। छः फंदे उल्टे बनाने के बाद अब देखिए धागे को पीछे करेंगे और यहाँ तीन का एक करेंगे, ये तीन फंदों का हम एक करेंगे, जैसे हम स्वेटर वी गला में बनाते हैं वैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन फंदों का एक करना है। अब दो फंदे हम ऐसे उतार लेंगे और ये तीसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे इसको, और ये दो फंदे जो उतारे थे ये इसके ऊपर से गिरा देंगे। ऐसी फली हमें बनानी है, जैसे ये हमारी फली बन रही है। फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे, फिर छः फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच ये छः। छः फंदे हमने बना लिए। देखिए अब धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जाली डालनी है। ये देख, ये पहले हम दो बना लेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक ये दो। छः फंदे बनाने के बाद दो फंदे सीधे बना लिए, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे जाली पड़ गई हमारी, और फिर धागे को आगे करेंगे और ये वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरफ एक फंदे के दोनों साइड हमारी जाली पड़ गई, ये जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ बढ़ते जाएंगे यहाँ घटते जाएंगे फंदे। तो हमारा यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक हमारा डिज़ाइन, एक डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर से हमारा ये वाला यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। और फिर से देखिए, ये हमने देखिए एक फंदा हमने बना लिया सीधा, फिर एक फंदा और बना लेंगे, दो फंदे हो गए। ये देखिए एक के पास जाली डाली है, फिर एक फंदा इसको बना लिया था, ये दो फंदे हो गए ये वाले। और फिर से छः फंदे रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा भाई, एक दो तीन चार पाँच छः। छः फंदे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे और तीन का एक करेंगे, यहाँ पे दो फंदे ऐसे उतार लेंगे और ये तीसरा फंदा बना लेंगे सीधा, और ये दो फंदे जो हैं ये इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से धागे को अपनी ओर करके छः फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः। छः फंदे उल्टे बना लिए, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे बना लिए। और फिर धागे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ जाली पड़ेगी, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए यहाँ जाली पड़ गई, फंदा सीधा बना लिया हमने। फिर हमें यहाँ जाली डालनी है, धागे को अपनी ओर करके एक फंदा सीधा और एक फंदा और सीधा, यानी दो फंदे ये सीधे हो गए। फिर से रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ से दो फंदे सीधे, फिर छः फंदे फिर उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः। छः फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे, फिर से तीन का एक कर लेंगे और तीसरा फंदा बना के ये दो फंदे इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर से छः फंदे उल्टे, धागे को अपनी ओर करके छः फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए छः फंदे उल्टे बना लिए, अब धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ डिज़ाइन हमारा पूरा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिज़ाइन पूरा हो गया। अब ये देखिए एक फंदा हमारा लास्ट में रह गया, ये एस्टिच हमें इसको सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। ये 61 फंदों का मेरा डिज़ाइन है। और उल्टी रो मैं पूरी उल्टी उल्टी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, इसमें हमें कुछ नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं डालना। ये देखिए एस्टिच एक फंदा उतारिए और ये पूरा उल्टा उल्टा बनाकर तैयार कर लिए। हमारी सभी रो जितनी भी सिलाई की होंगी सारी उल्टी उल्टी बनेंगी, उनमें कोई डिज़ाइन हम नहीं डालेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना है। सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये थर्ड रो में एस्टिच एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से एक दो, दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार ये पांच, पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे। अब फिर से यहाँ तीन का एक करेंगे, ये देखिए दो फंदे
ऐसे उतार लेंगे सिलाई पे और फिर तीसरा फंदा बना लेंगे और ये दो फंदे इसके ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से पांच फंदे, दोनों एक एक फंदे हमारे यहाँ घट गए, तीन का एक किया हमने, एक दो तीन चार, ये देखिए पांच, पांच फंदे बनाने के बाद अब दो फंदे सीधे हैं, एक दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा बनाया था और यहाँ दोनों तरफ जाली डाली थी, अब फिर से हम यहाँ जाली डालेंगे और यहाँ पे देखिए फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ घट रहे हैं, तो यानी कि बराबर फंदे रहेंगे हमारे। ये देखिए एक फंदा यहाँ जाली डाल दी, एक फंदा सीधा बना लिया, तीन फंदे हमें सीधे बनाने हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। फिर धागे को आगे करेंगे और यहाँ पे दो फंदे सीधे, एक बन गया और एक दूसरा। अब फिर से रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया एक डिज़ाइन। अभी यहाँ देखिए फिर से वैसे ही पाँच फंदे उल्टे, तीन चार पाँच, पाँच फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से तीन का एक करेंगे, दो फंदे ऐसे उतार के तीसरा फंदा बना लेंगे सीधा और ऐसे गिरा देंगे दो फंदे। फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से धागे को पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे। फिर देखिए यहाँ पर जाली डालनी है, धागे को आगे करेंगे और ये सीधा फंदा, तीन फंदे सीधे बना देंगे, एक हो गया दो तीन। फिर जाली डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और दो फंदे, ये यहाँ से डिज़ाइन दूसरा स्टार्ट हो गया सीधा बनाने के बाद। फिर से पांच फंदे उल्टे, वही रिपीट रिपीट हमें करते रहना है। आप जितने भी फंदे डालेंगे उसमें यही रिपीट करना है। पांच फंदे बना लिए, अब फिर से तीन का एक करेंगे, दो फंदे उतारे, एक फंदा सीधा बना लिया और ये दो फंदे गिरा दिए ऐसे। फिर से पाँच फंदे, पाँच फंदे हम सीधे बना लेते हैं, सॉरी उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच उल्टे बनाने के बाद दो फंदे सीधे और एक फंदा एस्टिच, दो फंदे सीधे बना लिए और ये एस्टिच का फंदा सीधा बना लेंगे। इसको तीसरी रो कंप्लीट हो गई, फोर्थ रो पूरी उल्टी उल्टी बनाकर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे पूरा बनाना है हमें। चलिए मैं फिफ्थ रो में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फिफ्थ रो, एक फंदा एस्टिच, दो फंदे सीधे, अब चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागे को अपनी ओर करके, एक दो तीन चार, चार फंदे देखिए उल्टे बना लिए, फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर से यहाँ तीन का एक करेंगे और दो फंदे देखिए ऐसे गिरा देंगे, फली बनती जाएगी। फिर से तीन का यहाँ पे सॉरी चार बनाएंगे हम फंदे उल्टे, चार हो गया, और फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर यहाँ देखिए दो फंदे सीधे, अब यहाँ पे जाली डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और यहाँ पांच फंदे अब सीधे बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ रहे हैं और ये फंदे हमारे यहाँ घट रहे हैं और यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देखिए पांच हो गए, अब पांच फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से धागे को आगे करेंगे, यहाँ जाली पड़ेगी और दो फंदे सीधे बना लेंगे। वही पैटर्न रिपीट करते रहना दोबारा बार बार, और बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। देखिए तीन का एक करेंगे अब यहाँ पे, ये दो तीन चार, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे यहाँ पे और पांच फंदे सीधे बना लेंगे, एक हो गया दो तीन चार, ये पांच, पांच फंदे देखिए सीधे बना लिए, फिर धागे को आगे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर धागे को आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे बना लेंगे, तीन चार उल्टे हो गए, फिर धागे को पीछे करेंगे, यहाँ तीन का एक करेंगे, दो फंदे उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे, एक गिरा देंगे ऐसे। फिर चार फंदे उल्टे, और दो फंदे लास्ट में सीधे और एक फंदा एस्टिच सीधा बनाएंगे इसको भी। ये देखिए ऐसे ही हमारा बनता जाएगा डिज़ाइन, और उल्टी रो हमारी सिक्स रो पूरी उल्टी उल्टी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ तक बनाकर दिखा देती हूँ, जब हमारा यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा तब तक मैं आपको बना के दिखा लेती हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही हमें यहाँ पे देखिए घटता जाएगा हमारा फंदा और यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ये देखिए फिर तीन फंदे बनाएंगे, फिर दो फंदे, फिर एक फंदे, लास्ट में हमारा ये एक फंदा रह जाएगा तीन का एक करते करते, और यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। चलिए मैं आपको बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये 14 रो में डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है,
दो रो तो हमने एक उल्टी और एक सीधी की बनाई थी, जो हमारी बेसिक रो होती हैं उसको मैंने इसमें काउंट नहीं किया है। और हमने जो स्टार्ट किया था डिज़ाइन जहाँ से, वहाँ से 14 रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। और देखिए बॉर्डर कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 4-5 बारी इसको फोल्ड करके फिर इसको फंदे डाल सकते हैं। अगर मोटी है तो 2-3 बारी आप इसे फोल्ड करिए। तो फ्रेंड्स कैसे लगा मेरा बताने का तरीका? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।